हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। स्पीकिंग का जो सेक्शन ए है, जिसमें मैंने सारी फेवरेट लिस्ट दी हुई है और वो मैंने एक एक करके हर वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये अब स्पीकिंग का सेक्शन बी है, ठीक है। जिसने सेक्शन ए नहीं देखा है वो जाके सेक्शन ए देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये सेक्शन बी है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर एक एक को मैं एक्सप्लेन करूँगी तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ये 20 सेक्शन बी में मैंने 20 क्यू कार्ड्स बनाए हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। वीडियो पॉज करके ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो है, ये हो गए टोटल 20 क्यू कार्ड्स, राइट। अब मैंने अपने आने वाले वीडियोस में ना इसी सेक्शन बी के 20 क्यू कार्ड्स एक्सप्लेन करने हैं। सेक्शन ए में मैंने फेवरेट लिस्ट बनाई थी क्यू कार्ड्स की, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, राइट। देखिए, 1-1.5 मिनट के लिए आपने बोलना होता है क्यू कार्ड, तो इजी लैंग्वेज में ही याद करके जाइए, उसकी प्रैक्टिस करके जाइए, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्यू कार्ड की तरफ। तो हमारा जो पहला क्यू कार्ड है वो है ये, डिस्क्राइब द पर्सन होम यू एडमायर, ठीक है। ये सेक्शन बी का पहला क्यू कार्ड है हमारा। तो देखिए, अब आपने यहाँ पे उस पर्सन को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसको डिस्क्राइब करें जिसको आप ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिसके आप बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं, ठीक है। तो मैंने इस क्यू कार्ड में अपनी मदर को लिया है, वो पर्सन जिसको मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करती हूँ, ठीक है, मतलब जिसकी मैं सबसे ज़्यादा प्रशंसा करती हूँ, जो मेरा फेवरेट है, लाइक यू नो ऐसे। तो चलिए देखिए, इजी लैंग्वेज है आपके लिए लाई हूँ मैं, और आपने बस इसको एक बार याद करना है, मटेरियल देखना है, ठीक है, और फिर खुद से बात करके इसी मटेरियल को रिपीट करना है, ओके। क्योंकि ये मटेरियल ऐसा है बच्चे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं बनाती हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और जब आपसे पूछा जाए एकदम से आपको याद आ जाए और आप उसको बता सकें, ओके। देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपने देनी होती है, सीधा ही नहीं बताना हो कि वो कौन है। इंट्रो में आप क्या बोलोगे? वेल, आई नो न्यूमरस पीपल हु हैव एन ओशन ऑफ नॉलेज एंड पोजेस ग्रेट आइडिया एंड नॉलेज, ठीक है। मतलब मैं कहते ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिसके पास बहुत नॉलेज है, बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, ठीक है। सॉरी, नॉलेज वर्ड मैंने 2 बार यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। हु ही, क्योंकि ज़्यादा रेपिटेशन नहीं करनी होती है आपने क्यू कार्ड्स में, इसलिए मैंने बोला है कि कोशिश करें कि रिपीट ना हो, आपके जो वोकैब हो उसको थोड़ा एनहांस करें ताकि वो रिपीट ना हो, ओके। अब देखिए, जब आपने ये बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दी, देन उसके बाद आपने बताना है हु ही और शी इज़, वो कौन है जिसको आप एडमायर करते हैं। But here I am going to talk about a person who is absolutely multi-talented and she is none other than my mother. तो आपने यहाँ पे बता दिया कि मैं जिस person के बारे में बात करने वाली हूँ वो multi-talented है, जाने एक से ज़्यादा काम करने में सक्षम है, and she is none other than my mother, और वो कोई और नहीं, वो कौन है? मेरी mother है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने कर लिया। फिर अब आपने ये बताना है, एक्सप्लेन व्हाई यू एडमायर हर। अब आपने ये बताना है कि आप क्यों एडमायर करते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, व्हाई, ठीक है। तो अब देखिए, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, ओके। पीपल से होममेकर्स, पीपल, व्हाट पीपल से? पीपल से Homemakers are not working as much as working women, but that's not true, है ना। कहते इसमें लिखा है कि मेरी मदर हाउस वाइफ हैं। लोग कहते हैं कि जो मैंने हाउस वाइफ को होम मेकर लिखा है, ठीक है, आपने सेम रिपीट कोशिश करें ना करें, ओके। होम मेकर जो है मतलब वो ज़्यादा काम नहीं करती जितना कि
ऑफिस में जाने वाली लेडीज़ करते हैं, बट ये सच बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, सबसे पहले। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वर्क्स एज मच एज समवन हु वर्क्स एट एन ऑफिस, कहते वो उतना ही काम करती हैं जितना कि कोई ऑफिस में वर्क करता है। ओके आई हैव सीन हर वर्किंग सेल्फलेसली, सेल्फलेसली मतलब बिना किसी इच्छा के, मतलब सेल्फलेसली वो काम करते हैं, ठीक है, बिना किसी मतलब के वो काम करती हैं डे एंड नाइट, पूरी दिन और रात, लाइक एवरी अदर जॉब, जैसे बाकी जॉब्स होते हैं लोग दिन रात काम करते हैं, वैसे ही कहते हैं ये भी जॉब है। दिस जॉब डजंट हैव एन एक्सपायरी डेट, ठीक है। यहाँ तक तो आपने ये बताया कि जो मैंने इनको सेल्फलेसली दिन और रात काम करते देखा है, जैसे कि लाइक एवरी अदर जॉब, बाकी जॉब्स की तरह ये वाली जो जॉब है हाउसमेकर की जो जॉब है उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ ये बताया, देखिए जो ऑफिस वर्क आप करते हो उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि इतने से इतने टाइम है, ओके। बट ये जो मदर जो काम करती हैं घर पे, हाउसमेकर्स जो होती हैं, कहते हैं उनके जॉब की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, ओके। मोर ओवर शी कैन डू मल्टीपल टास्क, इसके अलावा वो मल्टीपल टास्क भी करते हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं, जैसे कि लाइक रिसेंटली अभी वी वर हैविंग एम्पल ऑफ वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स, मतलब बहुत सारी एम्पल ऑफ वेस्ट प्लास्टिक बॉटल, मतलब बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स थी हमारे पास। शी यूटिलाइज्ड देम वेरी इफेक्टिवली बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द फ्लावर पॉट्स, ठीक है। तो मतलब उन्होंने बड़ा ही उसको इफेक्टिवली बॉटल, प्लास्टिक बॉटल को कन्वर्ट कर दिया कि इसमें फ्लावर पॉट्स में, जो जिसमें हम फ्लावर वगैरह लगाते हैं, गमले वगैरह, ओके। व्हेन आई सॉ इट आई वाज रियली सरप्राइज्ड, तो आपने ये जो मल्टीटास्क वाली बात बोली है उसको आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि उन्होंने ये काम भी किया है, ठीक है। घर तो वो संभालती हैं, तो ये भी उनमें एक टैलेंट है कि वो वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको भी इफेक्टिव यूज़ करते हैं। आगे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं लाइट नहीं थी तो मैं यहाँ पर ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं, ओके, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। इन एडिशन शी इज़ ऑल्सो वेरी काइंड हार्टेड लेडी हु ऑलवेज लव्स टू हेल्प अदर्स, इसके अलावा वो क्या है, बहुत ही दयालु दिल की लेडी हैं, औरत हैं, जो सबको मतलब प्यार करती हैं और उनको अच्छा लगता है, हु ऑलवेज लव, वो उसको उनको क्या करना अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, ओके। शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली एंड पोलाइटली, वो बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट वे में बड़े प्यार से बात करती हैं। नो वन कैन बी मोर सेल्फलेस देन हर, कहते उनसे ज़्यादा सेल्फलेस कोई नहीं हो सकता, विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स आई एडमायर हर सो मच, ठीक है। तो ये उनमें से एक रीज़न है कि मैं उनको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हूँ, ओके। तो देखिए ये मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है बहुत मुश्किल से, क्योंकि आज लाइट नहीं थी इन्वर्टर की, लाइट से मैंने बनाई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो से, ओके। और कमेंट भी प्लीज़ किया करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ओके। और सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि अब मैंने 20 के 20 क्यू कार्ड्स की, ये जो सेक्शन बी का है उसकी मैंने वीडियोस बनाते जाने हैं, ओके, और आप तैयारी करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।